जहाँ तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता है। ईशान सिद्दीकी जो है ते एक एडल्ट आहे आणि त्यांचा स्वतः डिसिजन ते घेणार। तो मैं अजित पवार कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो दैट्स ऑल, आई विल नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग मच, बट यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो उससे जहाँ तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता है। ईशान सिद्दीकी जो है ते एक एडल्ट आहे आणि त्यांचा स्वतः डिसिजन ते घेणार, तुम्ही त्याला विचारा। तुमचा पुढचा प्रवास काय असेल? आता तुम्ही कोणा सोबत जाणार? कारण अजित पवार गटाबरोबर जाण्याची बॅनर पण लागले राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याची कधी आहे? मी आता जिधर जाऊंगा उनके साथ में मिलके हम प्रेस कॉन्फरन्स भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसलिए जब आपने सब नहीं वरळी मध्ये बॅनर लागले तर जाहीर पक्ष प्रवेशाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मी पण जाणार। आणि माझा एक छोटा आदमी हूं मैं, जिससे बाबा सिद्दीकी विचार मंच आहे माझा आणि अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट आहे। अगर आप लोगों ने कोविड में और इतने सालों से जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, गांव गांव में, मैं समझता हूँ ऐसा कोई जिला तालुका नहीं होगा महाराष्ट्र में जहां मेरे साथ में सहयोगी लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं, वो सभी को आप देखेंगे। एक जाहिर सभा है हमारी 10 तारीख को और छोटी सी सभा है 4-5 हज़ार आदमी की और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद के सदस्य होंगे, जो नगर सेवक होंगे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जो मेरे साथ में इस जर्नी में मेरे साथ थे और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आने को, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस पक्ष में जाए उस पक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश। सर पिछली बार अजित पवार की तारीफ कर रहे थे आप, अभी बात जब हमने बात की थी तो अजित पवार की तारीफ कर रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप एनसीपी में जा रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? बैनर भी लग चुके हैं सब जगह। अजित पवार की तारीफ काबिल ही है। हाँ हाँ, आपने कहा कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, तो अफसोस होता है। नहीं नहीं, क्या होता था कि जब मैं जब मंत्री था तो अगर कोई आदमी डिप्टी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए, ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को अपने एरिया के काम के लोगों के लिए, एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़प्पन दिखाता है। ये मैंने कहा था, इसमें मैं दो राय नहीं, और मैं ये मेरे पक्ष में भी कहते रहा हूँ कि कम अज़ कम जिस पक्ष में था मैं, सॉरी इब्तदा इश्क़ खैर होता है कि आगे आगे देखो होता है। मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, कैलाश्वर की राजीव गांधी, सब सबके साथ रहा है। खड़गे जी मेरे पिता समान है, और मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मोहन प्रकाश जी है अपने बड़े अच्छे बड़े भाई समान है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो रमेश चेन्नित्रा जो अभी प्रभारी है मेरे, 45 साल का साथी है। तो अभी होता है कभी कभी कोई चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ बोलने के बाद में इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना किनारा काशी कर लो। यहाँ बोलते ना कौन सा शहर है कि अपना बेगाना, मतलब तो हिसाब से हमने जिसने भी फोन किया होगा ये बोलना, एक संस्कारी आदमी हूँ मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, मगर एक चीज, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टैंड बाय इट। मैं आपको उस दिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं कांग्रेस में था, मगर मैं यहाँ अचानक नहीं आया हूँ। मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा, सही बात है, कोई भी चाहेगा कि उसके परिवार से कोई सदस्य नहीं जाए, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, मजबूरियाँ इन द सेंस कि मेरे भी कुछ होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें होती है कि जब नहीं लगता है कि भाई
ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होगा। तो क्या क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो, महाराष्ट्र से क्या होगा। अब कोई अगर टिप्पणी करेगा तो इसका जवाब पत्थर से दूंगा, मैं रुका हुआ हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप समझदार हो गए, आप समझते हो गए, दुख तो होगा, दुख कैसा नहीं होगा। जब मैंने मेरे लोगों के साथ में बात किया सब लोग, तो भी कल किया होगा, दुख कैसा नहीं होगा। अगर दुख नहीं होगा तो मेरी मोटी चाहिए, जो शख्स जगह में रहा हो मेरा मतलब, तो यू विल फील द पेन। विकास आघाड़ी को कोई फ्यूचर सच में है ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के भविष्यवाणी किसी का कर नहीं सकता हूँ, बट आई कैन से दैट आई विश देम गुड लक। सर मतलब आप एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हो आने वाले दिनों में। मैं अजीत पवार जी के साथ में जाऊंगा और ये मैंने कहा था, पहले नहीं कहा था, पर मैं समझता हूँ जब आप कह रहे बैनर लग गए तो मैं अजीत पवार कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेंगे राज्यसभा की सीट का कोई कमिटमेंट दिया है। ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, मगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जब जाऊंगा, जिस पक्ष में जाऊंगा उस पक्ष में उसी तरह वफादारी करूंगा जो इस पक्ष में जो पक्ष में था। राज्यसभेसाठी बोलणं तुम्ही त्यांच्या ते ऍडल्ट आहे, ते पण 11 वर्ष बहुतेक 17 वर्ष जब से वो भी यूथ कांग्रेस में था और सब चुनाव भी लड़ा है, तो आज वो भी 13-14 साल हो गया उसको भी कांग्रेस में, तो अपना मैं समझता हूँ अपना डिसीजन ले सकता है। और आपने क्या क्या MBA का MBA सरकार जब थी आपने भी कार्यकाल देखा है, तो उस कार्यकाल में आप आइएगा भाषण में हम जो पक्ष जवाबदारी देगी वो पक्ष में वो पक्ष का उसी तरह काम करूंगा जिस तरह यहाँ मैंने 48 साल काम किया हूँ। और मैंने नीचे लेवल से छात्र जीवन से खुद का ऑर्गेनाइजेशन था मेरा पहले NSY यूथ कांग्रेस हर क्षेत्र में काम किया हूँ, पूरे देश भर में काम किया हूँ। मैं जैसे मेरे वालिद साहब बिहार के थे तो वहाँ भी मेरे सामाजिक कार्य चलते और सामाजिक काम भी बहुत किया हूँ मैं। और जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारी यहाँ जरूरत नहीं है तो अपना कांग्रेस की तरफ से रोका गया आपको, राहुल गांधी की तरफ से रोका, राहुल गांधी से बात हुई, किसी ने रोका गया रोका आपको? नहीं, जिसने भी रोका मुझे मतलब अच्छी तरह से रोका गया। मतलब क्या है कि एक मतलब एक निर्णय जब कभी कभी कुछ डिसीजन पेनफुल होते हैं पर आदमी को लेना पड़ता है। माहित नहीं तुम्ही काय सांगतो, मी तो आता प्रवेश करणार आहे, तो प्रवेश झाले नाही तो मी कसा सांगणार कि माझा नाव येत आहे की नाही आहे। मी तो आता प्रवेश झाले नाही, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहा है एंड सम पेनफुल डिसीजंस आर टेकन एंड बट यू हैव टू बी निर्णायक। मतलब कभी इंसान को निर्णायक होना पड़ता है। और आप सबको आमंत्रण पे हमारी सभा है बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में, परसों का दिन है 10 तारीख का 6 बजे, और आप बहुतेक को ये ना रहे 27 तारीख के राज्यसभा की नियुक्ति की तैयारी है।
व्हाई डोंट यू चेक योर फैक्ट्स, बिकॉज़ क्या होता है कि आप कैमरे को देखते हैं ना, आपको दूध में मेहंदी डालना बहुत अच्छा लगता है, क्या होता है दूध में मेहंदी डालना बहुत अच्छा लगता है, तो चेक योर फैक्ट्स सर कैमरे को प्लीज। सवाल ही नहीं उठता है यार सर, अभी झाला होता तो मैं 2017 को आ जाता ना, आप समझे मेरा बोलने का, सकाई नहीं है महाराष्ट्र काँग्रेस का, तुम्ही मला सांगा मुंबई काँग्रेस तो चालेल, मला महाराष्ट्राचं सांगा, तुम्ही बघणार ना ते, तुम्ही या ना 10 तारखेला जाओ तो अरे कुछ चीजें रहना चाहिए ना यार, आप बोलोगे आप महाराष्ट्र काँग्रेस महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से कुछ नगर सेवक कुछ ग्राम पंचायत अमीन पटेल इज अ डेप्युटी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, आन्सर फॉर हिम सर, हाउ कैन आई स्पीक अबाउट समबडी सर, तुम्ही राज्यसभेचे जेवण लोक लढायला तयार आहात काय, जाऊ दे ना तुम्ही, मजा अभि यार किधर नया जगह जा रहा हूँ अभी।